दोस्तों सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं, तकरीबन अच्छे अच्छे यू नो परफॉर्मेंस हुई हैं इंडिया की तरफ से और नए नए खिलाड़ी इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उसमें से सबसे वन ऑफ द बेस्ट कहूँगा मैं एक तरह की से, उसमें बैडमिंटन का प्लेयर आता है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, लक्ष्य सेन ने अपना क्वार्टर फाइनल का मैच जीत लिया है और वो अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तो एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है वो। इंडिया के पहले शटलर बने हैं बैडमिंटन प्लेयर जो ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और 4 अगस्त को उनका मैच है। तो कुछ भी हो सकता है यू नो, अगर वो ये वाला मैच जीत जाते हैं तो वो फाइनल में पहुंच जाएंगे, तो सिल्वर या गोल्ड वो तो उनमें दोनों में से लेकर आ सकते हैं। तो बात करी जाए ये वाला मैच चाइनी ताइपे के खिलाड़ी के साथ हुआ जिनका नाम था टिंग चेन। तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ, एक सेट से वो हार रहे थे, पहला सेट वो हार गए थे लक्ष्य सेन 19-21 से सेट हार गए थे, लेकिन दोबारा से फिर उसने अपनी थोड़ी सी गेम चेंज करी, स्मैश से दिया जवाब और थोड़ा सा नेट में क्लोज में आके वो खेलने लग गए थे। तो उसी की वजह से उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और दोनों सेट अपने जीत लिए 21-15 और 21-12 से, और चाइना के प्लेयर को मुंह तोड़ जवाब दिया और सेमीफाइनल में पहुंच गए। अगर बात करें इस सफ़र की जो कह सकते हैं हम, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा ओलंपिक का लक्ष्य सेन। मैं बता दूं लक्ष्य सेन की वर्ल्ड रैंकिंग 19 है, लेकिन इस जो था ओलंपिक्स में वो अनसीडेड रैंकिंग प्लेयर है, मतलब उनकी कोई रैंकिंग नहीं है इस ओलंपिक में। और अपने जो पीछे जो हिस्ट्री के मैच हुए ना अपने ओलंपिक्स में, इतने तगड़े तगड़े खिलाड़ी को जीता ना उन्हें। अगर हम बात करें क्रिस्टी वर्ल्ड नंबर 3 रैंक प्लेयर है, उसको हराए इन्होंने। फिर आप बात करते हो इनकी जो HS प्रणॉय हैं, वो भी 14वीं रैंक लाते हैं, वो इंडिया के प्लेयर हैं, उनको हराया। फिर कल इन्होंने किनको हराया, चाइना के क्या नाम है उनका, टिन चाओ को, वो भी 12वीं रैंक है वर्ल्ड रैंकिंग में। तो देख लीजिए आप, अनसीडेड प्लेयर इतनी अच्छी अच्छी रैंकिंग को हरा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा यू नो उनका खेल लग रहा है, बैलेंस लग रहे हैं वो। अगर उनकी थोड़ी सी पास परफॉर्मेंस में बात कर ली जाए तो पास्ट में भी वो जूनियर यू नो चैंपियन रहे हैं, 2018-19 में वो नवंबर वर्ल्ड रहे हैं जूनियर में, उन्होंने 2021 में बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, 2022 में ऑल इंग्लैंड टूर में वो सेकंड आए थे, रनर अप रहे हैं, और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो बहुत तगड़ा उनका सफ़र रहा है यू नो, पास्ट में भी वो काफ़ी मेडल जीतते आ रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी पर्सनल डिटेल में बात करें उनकी पर्सनल लाइफ में, तो उनका बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सेन है, और लेकिन इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में हुआ है। इनके फादर का नाम है DK सेन, और DK सेन जो फादर हैं इनके कोच ही हैं, वो इनको कोचिंग देते हैं। तो अब देख लीजिए क्वार्टर फाइनल में वो यू नो अपनी बाधा पार करके सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं लक्ष्य सेन, और अब सेमीफाइनल में इनका मुकाबला है डेनमार्क की नंबर 2 प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग में विक्टर एक्सेलसन। तो बहुत तगड़े प्लेयर हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये विक्टर एक्सेलसन, डेनमार्क के प्लेयर हैं, और टोक्यो से पहले रियो ओलंपिक्स में वहाँ पर भी मेरे ख्याल से सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। तो बहुत तगड़ा मैच होने वाला है, 4 अगस्त को मैच होगा। इस मैच में सब भारतवासियों की निगाहें होगी और सब भारतवासी जो 145 करोड़ लोग हैं इनकी यू नो दुआ करेंगे ये जीते मैच और फाइनल में प्रवेश करें और वहाँ से गोल्ड या फिर सिल्वर लेके आए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, 4 अगस्त को मैच है इनका विक्टर एक्सेलसन के साथ डेनमार्क के। तो शुभकामनाएं लक्ष्य सेन को, ये मेरे ख्याल से आने वाले सुपरस्टार है, क्योंकि एक बंदा अपने ऊपर वाली रैंक को हरा रहा है, अपनी नीचे वाली रैंक अच्छी रैंकिंग को हरा रहा है प्लेयर, और ये देख लीजिए जो कमबैक करता है ना वही सबसे बड़ा हीरो होता है। पेशेंस रहे हैं वो, काम रहे हैं वो इस मैच में, पहला सेट हार कर भी लास्ट के दोनों सेट जीते हैं वो। तो शुभकामनाएं, तो मैं चाहता हूं कि फाइनल में वो पहुंचे, पूरा मैच देखेंगे वो, चीयर अप करेंगे हम यहां पर इंडिया में बैठे। तो इसी खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ओलंपिक्स की खबरें मैं लाता रहूँगा, और तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।